तो आज फूड पे चैलेंज का चौथा दिन है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं घर पे आ चुका हूँ अपने और एक तरह से दिमाग से निकल गया था मेरे। तो फूड आइटम एक अलग तो खाना है, खाना तो मोमोज खाते हैं ऐसे जो रोड के साइड पे जो रेडी पे बिकते हैं ना मोमोज ठेले पे। तो आज देसी मोमोज खाने वाले हैं हम लोग, कोई बड़े ब्रांड का मोमो नहीं है, नॉर्मल मोमोज हैं। तो आज ये ट्राई करते हैं, चलते हैं। तो पनीर वाले मोमोज ही हैं इनके पास, तो यही लेके चल रहा हूँ मैं घर। तो आज के फूड चैलेंज में रोड साइड मोमोज। मुझे तो ऐसा लग रहा है फूड चैलेंज देना बड़ी गलत बात कर दी मैंने, मोमोज पे आ गया हूँ रोड साइड के। वीकेंड पे कहीं अच्छी जगह चलते हैं, ठीक है? ऐसे ही चलेगा अभी तो, क्योंकि मुझे फूड आइटम ही करना। तो वैसे टेक्निकली तो मेरा फूड चैलेंज चल ही रहा है, तो चौथा दिन है आज है मोमोज। तो ये है मोमोज, बड़े बड़े मोमोज हैं पनीर के। तो इस एरिया में ठीक ठाक मतलब मोमोज की जो दुकान है उससे लिया मैंने। इसके साथ है मोमोज चटनी एंड वेज मेयोनीज। आखिरी दो पीस। तो फूड चैलेंज का चौथा दिन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। एक फूड आइटम मैंने खाया जो कि है मोमोज दिल्ली के। बहुत मोमोज फेमस हैं यहाँ पर, मतलब हर गली में हर चौराहे पे आपको एक मोमोज की दुकान मिलेगी और सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। कोई गोभी के मोमोज अच्छे बनाता है, तो कोई पनीर के मोमोज अच्छे बनाता है, किसी का चिकन मोमोज अच्छे हैं, कोई फ्राइड मोमोज अच्छे बनाता है, कोई तंदूरी मोमोज बनाता है। तो इसी तरह के मोमोज की बहुत वैराइटीज़ हैं यहाँ पे। तो ये नॉर्मल मोमोज हैं, पनीर मोमोज, कभी तंदूरी मोमोज ट्राई करेंगे। तो आज का चैलेंज कम्प्लीट हुआ, मिलेंगे कल किसी नए आइटम के साथ। बने रहें हमारे साथ।